नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। चलिए आज आपको मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में लेकर के चलते हैं। वैसे तो आपने खूब बड़े बड़े मंचों से सुना होगा कि मैं ओबीसी हूं। चलिए आज बनारस में ओबीसी की स्थिति जान लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ओबीसी के छात्रों को आजकल एक कैंपेन चला रहे हैं और किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, चलिए मैं कुछ डाटा लेकर के आया हूं जो विद प्रूफ चलेंगे। ओबीसी के छात्रों के अधिकारों पर डाका, ओबीसी रिजर्वेशन इन बीएचयू हॉस्टल। चलिए इसको पूरी कहानी को समझिए आप कि विभाग इधर कमरों की संख्या लागत हमने लिखा है। विभाग है जैसे कला संकाय, इसमें कमरे बने हुए हैं। ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूं ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बने हॉस्टल में रिजर्वेशन को लेकर के है। और देखिए ये छोटी मोटी वीडियो नहीं है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इसको लगातार जो वहां के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो ओबीसी के छात्र हैं वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो साथियों उन्हीं के लिए सोचिए कि इधर विभाग कमरों की संख्या लागत, कला संकाय में 312 कमरे बने हुए हैं जिसमें 3,356 लाख रुपए की इसमें लागत आई है। सामाजिक विज्ञान में 235 कमरे बने हुए हैं जिनकी लागत 1,283 लाख रुपए है। उसके बाद में विधि संकाय 100 कमरे बने हुए हैं 1,290 लाख, चिकित्सा विज्ञान में 463 कमरे 1,968 लाख, अन्य विभाग टोटल अगर बात करें तो 3,077 और इसकी लागत है 9,203 यानी कि 9,200 के करीब लाख रुपए। अगर बात करें अन्य विभागों की, अगर इन सबको हम जोड़ दिया जाए तो कुल 4,187 कमरे बने हैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, हॉस्टल जो बने हैं और उनकी जो कुल लागत है 1,71 करोड़ या कह सकते हैं 171 करोड़। बहुत बड़ी धनराशि जो ओबीसी वर्ग के फंड से ये पूरा का पूरा हॉस्टल बना है। परंतु आप देखिए इस समय हालात ये हैं कि ओबीसी के फंड से बने हुए हॉस्टलों में ओबीसी के बच्चे नहीं रह रहे हैं, उनको वहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। अगर बात करें आरक्षण की तो वहां पर जो एससी के बच्चे हैं उनको 15%, एसटी के 7.5%, और जबकि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो 2019 में लागू हुआ था उसको भी 10% कोटा मिला हुआ है और ओबीसी को 0। तो सोचिए कि ओबीसी के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पिछड़े वर्ग को पत्र लिख रहे हैं। और अभी आप उसमें भी जो पिछड़े वर्ग आयोग ने भी उसके बारे में अभी बोला था कि आप हमें 10 दिन में बताइए कि वो ओबीसी के बच्चों को सीटें क्यों नहीं मिल रही, अभी भी मामला पेंडिंग है। तो साथियों आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ में किस तरीके का खिलवाड़ चल रहा है। और आप जानते हैं कि दलित पिछड़े समाज को तो वैसे ही पीछे रखा गया है। अभी हाल ही में आपने बयान सुना होगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का कि उन्होंने बोला कि हमने इनको जो दलित पिछड़े समाज है जिसको हम शूद्र समाज भी कह सकते हैं कि हमने इनको 2000 सालों तक इनको इनका शोषण किया है, अब कम से कम इनको 200 सालों तक आरक्षण मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए और ये जो बयान आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप जानेंगे कि थोड़ी सी जो दलित पिछड़े समाज में और खास करके पिछड़े समाज में थोड़ी सी करवट ली है, थोड़ा सा जो सो रहा था अब थोड़ा सा निद्रा को त्यागने की कोशिश कर रहा है। तो उसी वजह से ये बयान आपको देखने को मिल रहे हैं। आप एक नया भारत बना रहे हैं, नए इंडिया से तमाम बहसें चल रही हैं। आपको पता है कि किस तरीके से एक तरफ भारत खड़ा कर दिया है और एक तरफ इंडिया खड़ा कर दिया है और दो गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इन दो गुटों में एक ऐसी चीज को चिंगारी दे देते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप इन्हीं चीजों पर अपनी बात कीजिए, और दूसरी तरफ जब वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं और ओबीसी के साथ में क्या चल रहा है। अभी मैंने पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने ओबीसी की जो विभिन्न पद जो सरकारी पदों पर जो नियुक्तियां निकलती हैं उनको लेकर के ओबीसी रिजर्वेशन जो ओबीसी कोटा है उसको लेकर के वीडियो बनाई थी। आप सभी ने उसको बहुत बड़ा प्यार दिया और आप लोगों ने उसको शेयर किया था। तो साथियों मैं अन्य वीडियो जो ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं उनको उनके लिए ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चे थे उन्होंने हमसे बोला था कि सर आप
इस टॉपिक पर भी एक अपनी वीडियो बनाई है। तो साथियों इस समय आपको जानने की आवश्यकता है। और अगर बात करें तो सबसे पहले जातिगत जनगणना जो एक अहम मुद्दा है उसकी भी लगातार आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा एक रोहिणी आयोग बना हुआ है और उसके तहत BC1 BC2 BC3 वाला कंसेप्ट भी जल्द आपको देखने को मिल सकता है। इसके बारे में रोहिणी आयोग क्या है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या लाभ है, क्या बीसी समाज को कितना बड़ा लाभ होगा, उसके बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियो में बनाऊंगा। उससे पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है जहां से सांसद है और भारी बहुमतों से जहां पर जिताकर भेजा है मोदी जी को, और उन्हीं के जो क्षेत्र में आप देखेंगे किस तरीके से जो ओबीसी के वर्ग के छात्रों के अधिकारों पर डांका डाला जा रहा है। एक तरफ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं और उसी हिंदू कॉलेज में या हिंदू यूनिवर्सिटी में ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ चल रहा है। लगातार ओबीसी वर्ग के साथ में खिलवाड़ आपने देखा होगा, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देखते रहते होंगे। लेकिन किस तरीके से इस समाज को कहां लेकर के जाया जा रहा है, क्या पुराना वाला जो मनुस्मृति वाला समाज था क्या उसी की स्थापना होने जा रही है? तो साथियों आपकी कमेंट बहुत ही जरूरी है, आप अपने इस विषय पर भी अपने बातें रखें और बताएं वहां पर और क्या चल रहा है। साथियों मैं आगे लेकर के वीडियो आता रहूंगा, जब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।